पैसा दो और शिक्षक बनो। जी हाँ, बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी बीपीएससी के द्वारा आयोजित, उसमें पैसा पर जो है खेल किया जा रहा था और नौकरियां बांटी जा रही थी। आज एक ऐसा गिरोह पकड़ाया है बिहार के लखीसराय में जिसने पैसा लेकर कई लोगों को नौकरियां दी हैं, और ये सिर्फ बीपीएससी में ही नौकरी नहीं देता था। इस गिरोह के द्वारा जो है एमटीएस, बीएसएफ, रेलवे ग्रुप डी, जेएसएससी, डीआरडीओ, बीएसएससी, सीजीएल एग्जाम, तमाम तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूलता था, और उसके बाद उन लोगों को ये नौकरियां देने का काम करता था। और उसके बाद जो है ये गिरोह करोड़ों रुपया का गिरोह के द्वारा हेरा फेरी 48 घंटे के अंदर की गई, जिसके बाद इस गिरोह पर लखीसराय पुलिस की नजर पड़ती है और उसके बाद इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद सुनिए लखीसराय एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। 30 तारीख को साइबर थाना लखीसराय को यह सूचना मिली कि बड़हिया थाना के ज्वास निवासी नीतीश कुमार, जो सीएससी चलाता है, के द्वारा अपना सीएससी सेंटर का पासवर्ड और लिंक एक व्यक्ति को दिया गया है, और जो साइबर फ्रॉड से संबंधित था उससे साठ गांठ कर उसको लिंक और पासवर्ड दिया गया था और भाड़े पर दिया था। पहली बार में उसने 40,000 रुपये में दिया था और प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपये की दर से उसे भाड़े पे दिया था, और 24 से 48 घंटे के भीतर ही उस सीएससी सेंटर के आईडी और पासवर्ड से लगभग करोड़ों की निकासी हो गई। और साथ ही अभी साइबर थाना को पता चला था कि इन लोगों को, जो सीएससी चलाते हैं, दूसरे स्टेट की पुलिस खोज भी रही है। इस संबंध में साइबर थाना को जब सूचना मिली, वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया, तब डीएसपी प्रोबेशनर आकाश के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई जिसमें इंस्पेक्टर विंध्याचल, डीआईयू से अनामिका सोनी, साइबर थाना से चंद्रवीर और रत्नेश, साथ ही सशस्त्र बल को शामिल किया गया। टीम के द्वारा सबसे पहले नीतीश को एक लड़के के साथ पकड़ा गया जिसका नाम राजकिरण था। जब नीतीश से पूछताछ हुई तो उसने बतलाया कि उसने अपना लिंक और पासवर्ड राजकिरण को दिया था। राजकिरण से जब पूछताछ हुई तो उसने नीतीश पटेल के बारे में बतलाया, जो नालंदा का रहने वाला था। तब नीतीश पटेल की गिरफ्तारी हुई। नीतीश पटेल के कमरे से सर्च के दौरान कई एक बैंकों के पासबुक, विभिन्न तरह के प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, लैपटॉप, पाम स्कैनर आदि मिले। साथ ही कई एक छात्रों का विभिन्न परीक्षाओं का ओरिजिनल एडमिट कार्ड और कुछ उसके द्वारा जुडिशियल स्टाम्प पर किए गए शपथ से संबंधित दस्तावेज भी मिले, जिससे ये लगता है कि ये एक संगठित गिरोह रहा है। यह विभिन्न तरहों का काम करता रहा, एक तो साइबर ठगी से संबंधित काम करता रहा और विभिन्न परीक्षाओं में कुछ स्टूडेंट का सेटिंग भी करने की बात अभी तक आरंभिक पूछताछ में सामने आई है। अभी तक जो अनुसंधान हुए हैं इससे साफ लग रहा है कि जो इसने लिंक और पासवर्ड दिया था नीतीश ने अपने सीएससी सेंटर का, उससे 1 से 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन 24 से 48 घंटे के भीतर हुआ, और स्पेशली महाराष्ट्र से। वहाँ की पुलिस भी इसको खोज रही है, वहाँ की पुलिस को इसको सूचित किया जा रहा है। साथ ही इसके जो आगे लिंक हैं जिसके बारे में इन्होंने बतलाया है,
उस पर भी कार्रवाई चल रही है। किस बैंक का सर था, सीएसबी से जुड़ा? ये बैंक से सीएससी है। आपने सुना किस तरह से इस गिरोह का जो है बरहिया से नालंदा से लेकर के महाराष्ट्र तक कनेक्शन था, करोड़ों रुपया किस तरह से इस गिरोह के द्वारा इधर से उधर की गई, जिसके बाद लखीसराय पुलिस की नज़र इन पर पड़ी और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई। फिलहाल आप देख रहे हैं केटीवी भारत, कुणाल कुमार के साथ देखते रहिए। जय हिंद।